नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज एक एक कड़ी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करी हूँ। हल्दी पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ जिससे कि ये जो एक को जब बॉइल्ड एक को जब मैं फ्राई करूँ तो उसमें अच्छा सा एक रंग आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर हल्दी जो है वो ऑयल में ही ऐड करूँगी। और हमको इस रेसिपी को एकदम लो फ्लेम में बनाना है। देखिए यहाँ पर अंडे में कितना अच्छा सा एक रंग आ चुका है, ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक अलग से बोल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम उसी तेल में हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर जीरा दिया है। जैसे ये थोड़ा सा जीरा भून जाता है उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले से चॉप्ड किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज ऐड किए हैं। ये रेसिपी जो है पूरे प्याज के ऊपर ही बनता है, इसीलिए हमको प्याज जो है थोड़ा ज़्यादा देना होता है। यहाँ पर हम प्याज दे के इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़े से भून चुके हैं। अब हम इसमें करीबन 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा खुदरापन रखा है। अगर आप फाइन पेस्ट ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करके हम अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। उसके बाद अब हम थोड़ा सा पाउडर मसाला यूज़ करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर यहाँ पर देंगे, 1 चम्मच हम जीरा पाउडर देंगे और स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। करके हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। करके हम इन मसालों को भी अच्छे तरीके से प्याज के साथ भून लेंगे जिससे कि ये स्वाद जो है वो बढ़िया सा आए। इसे हम अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें कॉफी मग का हाफ कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं ज़रूरत होता है, बिल्कुल कम ग्रेवी हमको चाहिए है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हाफ कॉफी मग का हाफ मग पानी हम इसमें ऐड करके अब जो हमने एक फ्राई करके रखा था उस एक को हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके 5 मिनट के लिए हम पहले से ढक देंगे। ढक्कन 5 मिनट बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 5 मिनट बाद हरी हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हम इसे 8 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे जिससे कि ये अच्छे तरीके से और पके। देखिए बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती ऐड करेंगे और ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आज के लिए बस यही तक। नमस्ते।